स्वागत आज का आध्यात्मिक चर्चा हम स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग से शुरू करेंगे। कुछ ही दिनों से हम इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में कर्मयोग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे जीवन का आदर्श या हमारे जीवन का लक्ष्य एकत्व या परमात्मा को प्राप्ति करना, लेकिन संसार में विभिन्न विभिन्न कार्यों के बीच में हमें कभी कभी ये चयन करना मुश्किल हो जाता है कि किस कार्य को हम करें और किस कार्य को हम ना करें, किस कार्य को करने से हमें श्रेष्ठ फल लाभ होगा और किस कार्य को ना करने से हम अधोगति से बचेंगे। इसीलिए कर्मयोग ये वेदांत का एक मुख्य अंश है, जिसमें कार्य करते हुए हम परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कर्मयोग में अग्रसित होने से पहले हमें कर्म योग को समझना होगा कि कर्म योग क्या है। पिछले जो सप्ताह है उसमें हमने चर्चा किया था कि जो सेवा है, जैसे हम सेवा कहते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, भौतिकता या जो जो शारीरिक सेवा है, भौतिक सेवा है, इसके बाद बौद्धिक सेवा है और आध्यात्मिक सेवा। हमने देखा था कि आध्यात्मिक सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। क्यों? क्योंकि एकमात्र आध्यात्मिक सेवा से ही हमारे जीवन की जितने भी समस्याएं हैं, हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। जीवन एक संग्राम है, हम सभी संग्राम कर रहे हैं, सभी को अपने अपने जगह पे हम सभी संग्राम कर रहे हैं। सबके जीवन में कष्ट है, बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, लेकिन यहां से भाग निकलने को वेदांत कभी नहीं कहता। वेदांत ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के आप किसी आश्रम में चले जाइए या हिमालय की किसी गुफा में चले जाइए, ये वेदांत कभी नहीं कहता। लेकिन वेदांत ये कहता है कि जीवन के हर संघर्ष में दृढ़ता से, साहसिकता से उसको सामना कीजिए और इसी में आपको वो परम तत्व का प्राप्ति होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा था गीता में। श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे हैं, कहां पे? युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर। युद्ध क्षेत्र में वो खड़े होकर गीता बोल रहे हैं और गीता जैसा महान उपदेश, गीता जैसा महान उपदेश देने के बाद के पश्चात उन्होंने अर्जुन से लड़ने के लिए कहा, प्रेरित किया कि आप लड़ाई कीजिए, यहां से भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि अर्जुन ने भी एक समय संन्यास लेना चाहा था। जब उसने देखा कि उसके सामने इतनी बड़ी लड़ाई है, उसको उसके अपने 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 रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को मारना होगा, तो भयभीत होकर उसने कृष्ण जी से कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। लेकिन कृष्ण जी ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही जीवन हम देखते हैं हमारे भगवान जी ने भी। उन्होंने भी अपने सारा जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, निदारुण संघर्ष किया। उनके सामने आध्यात्मिकता, ईश्वर, भगवान, प्रेम, ज्ञान, ये स्वर्ग से उतर के नहीं आया। वो इस संसार में रहे, इस संसार के सभी कार्यों को करते रहे, इस संसार के सभी कार्यों को करते हुए उन्होंने एक निदारुण लड़ाई की, लेकिन उन्होंने एक उत्तर माना था, उत्तर चाहा था कि मुझे उत्तर चाहिए, मुझे इस संग्राम में विजय होना चाहिए, मैं इसमें पराजित नहीं हो सकता। और हमने देखा कि एक दिन उनके सामने सत्य ने, या वो जो चरम सत्य या परमात्मा ने अपना द्वार खोल दिया। कैसे?
बोले केवल एक संकल्प से। उनके भीतर एक संकल्प था कि मैं इस तत्व को जानूंगा ऐसे ही जैसे मैं हूं अभी। इसको जानने के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसको जानने के लिए मैं किसी भी दूसरे आश्रम में नहीं जा सकता। मैं अपना जो ये कार्य है, ये जो क्षेत्र है, ये जो आश्रम है, इसको मैं त्याग नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों को, मैं अपने परिवार को त्याग नहीं कर सकता। मैं यहीं पे रहूंगा और यहीं पे रह के मैं ईश्वर लाभ करूंगा। और उन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने ईश्वर लाभ भी किया। और केवल इतना ही नहीं, एक पूरे समाज को उन्होंने एक श्रेष्ठ पद पर उन्होंने परिचालित किया, जिसका फलस्वरूप आज इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी है। हमारे समक्ष जीवन है, हमारे समक्ष कर्मयोगी है, और इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी कर्मयोगी बनकर हम भी उस पद को, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग का मतलब क्या है? कर्मयोग का मतलब है एक ऐसा कर्म जिससे हमारे अंतर्निहित उस परमात्मा से हमारी मुलाकात हो जाए। कर्मयोग का मतलब है कि एक ऐसा कर्म जिसके द्वारा हमारे अंतर्निहित परमात्मा से हमारी साक्षात्कार ही नहीं, हम अपने आप को जाने और उसी में अपने जीवन को व्यतीत करें। कर्मयोग का मतलब है ईश्वर बनना कर्म के साथ। जब कर्मयोग की बात करते हैं तब एक बात और आती है, निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? निष्काम कर्म का मतलब यही है कि एक ऐसा कर्म जिसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ निहित ना हो। अच्छी तरीके से देखिए, हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसमें अपना कोई ना कोई स्वार्थ जरूर रहता है। हम किसी से बात करते हैं, हम कहीं जाते हैं, हम कहीं किसी को देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हर चीज में हम कोई ना कोई अपना स्वार्थ रखते हैं। लेकिन एक कर्म ऐसा है जिसको करने से अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, दूसरों का स्वार्थ सिद्ध होता है। और इससे क्या होता है? जब हम ऐसा कोई कर्म करें जिसे अपना कोई स्वार्थ सिद्ध ना हो परंतु दूसरों का स्वार्थ सिद्ध हो, ऐसा करने से क्या होता है? सबसे पहले हमारे चित्त की शुद्धि होती है। हमारा जो चित्त है, जो हमेशा ही कोई ना कोई आनंद चाहता है, कोई ना कोई खुशी का वजह चाहता है, वो चित्त, उसको शुद्धि करना होता है। और जब ही ये चित्त शुद्ध होता है तभी चित्त के अंदर से ही एक प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं। जैसे पिछले बार हमने कहा था, अथात ब्रह्म जिज्ञासा या को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया? ये प्रश्न अनंत काल से आ रही प्रश्न है। केवल इसी प्रश्न में हमारी सभी प्रश्नों का समाधान है। हमें दूसरे प्रश्न करना नहीं है। हमारे ऋषि, हमारे मुनियों ने इस जीवन का सार को जाना था, लेकिन कैसे जाना था? उन्होंने जीवन के सार को जाना था केवल एक ही बात से, एक ही प्रश्न के समाधान से, और वो है कि मैं कौन हूं। उसका उत्तर है कि तुम आत्मा हो, तमसि निरंजना, तमसि निरंजना, तमसि निरंजना। तुम वही शुद्ध बुद्ध परमात्मा हो। तुम में कोई अपवित्रता नहीं है, तुम में कोई पाप नहीं है, तुम में कोई सीमा नहीं है। तुम असीम हो, अनंत हो, तुम अनामी हो, तुम आत्मा हो। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तो ये हमारा परिचय है, ये हमारा स्वरूप है। हम अपने परिचय को जो जानते हैं वो हमारा बाहरी परिचय है। वो परिचय हमारा शरीर का है, जिस शरीर से संबंध केवल इसी जन्म का, और केवल इसी जन्म का ही नहीं, हर रोज उस शरीर के साथ हमारा संबंध एक समय के लिए टूट जाता है जब हम सुषुप्ति में जाते हैं। जब जागृत रहते हैं, जब हमारा जागृत अवस्था है, या जब स्वप्न का अवस्था है, तब तो ठीक है, तब तो शरीर रहता है। लेकिन एक अवस्था ऐसा होता है जब हम एक ऐसी अवस्था में जाते हैं जहां पर स्वप्न भी नहीं होता, वहां पर गहरी नींद होती है,
उस अवस्था में कोई स्वप्न नहीं रहता, कोई जगत नहीं रहता और जगत देखने वाला भी नहीं रहता। उस अवस्था में क्या रहता है कोई नहीं जानता, केवल आनंद ही आनंद रहता है, केवल शांति ही शांति रहता है। जब हम नींद से वापस आते हैं, जब गहरी नींद से वापस आते हैं, तब हमारी अनुभूति क्या होती है? जब गहरी नींद से वापस आते हैं तब हमारी अनुभूति होती है कि हमारे अंदर शांति है, हमें आनंद प्राप्ति होता है। लेकिन गहरी नींद में हम नहीं रहते, हमारा शरीर का अस्तित्व नहीं रहता, हमारे मन का अस्तित्व नहीं रहता। जिस समय मन या शरीर का अस्तित्व नहीं रहता, वही समय सबसे ज्यादा सुखदायी होता है, सबको पसंद है सो जाना। जिस समय मन या शरीर का अस्तित्व नहीं रहता, जिस समय मन शरीर या संसार का कोई अस्तित्व नहीं रहता, हमारे भीतर और कोई चिंता नहीं रहती, हमारे भीतर और कोई क्लेश नहीं रहता, कोई छोटा नहीं रहता, कोई बड़ा नहीं रहता, हिंसा ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह ये कुछ भी नहीं रहता, हम मुक्त रहते हैं। लेकिन जब जागृत अवस्था में फिर वापस आते हैं तब वो अवस्था कहाँ जाती है? वो जो सुखानुभूति हो रही थी, वो अंदर ही अंदर जो आनंद का अनुभव हो रहा था, वो कहाँ गया? वो फिर से चला गया। कैसे? जब हम ये जो मन है, ये मन फिर से जब वापस आता है तभी वो चला जाता है। इसीलिए ऋषि लोग कहते हैं कि आप एक ऐसी अवस्था में हमेशा रहिए कि आप जागृत होकर भी सुषुप्ति का आनंद लीजिए। अब जगे रहेंगे, अब सभी कार्य को करेंगे, लेकिन आप हमेशा ही सुषुप्ति का आनंद लेते रहेंगे। गीता में हम देखते हैं कि कृष्ण जी को अर्जुन जी पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्त केशव। ये जो स्थित प्रज्ञ है ये किसे कहते हैं? हम लोग आध्यात्मिक जगत में एक शब्द से परिचित होते हैं, स्थित प्रज्ञ। जो प्रज्ञा में स्थित है, जो प्रज्ञा में स्थित है उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। लेकिन प्रज्ञा मतलब क्या? प्रज्ञा मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब मैं ब्रह्म हूं, इसी को ज्ञान कहते हैं। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं नाम हूं, मैं रूप हूं, इसे कहता है अज्ञान। और मैं हमेशा ही परमात्मा हूं, मैं हमेशा ही परमेश्वर हूं, मैं हमेशा ही वो अनंत हूं, इसका हमेशा ही अंदर बोध होने को ज्ञान कहता है। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? जो व्यक्ति हमेशा ही इस तत्व पे या इस अनुभव में स्थित रहता है, स्थिर रहता है कि मैं ब्रह्म हूं। वो इंसान जैसा काम करता है, वो इंसान जैसा कार्य करता है, इंसान जैसा बोलता है, बात करता है, चलता है, फिरता है, खाता है, लेकिन वो इंसान नहीं है। उसे हमेशा पता है कि मैं हमेशा ब्रह्म हूं, मैं कभी भी ये जाति धर्म विशेष, ये गुण विशेष, ये जो जन्म और मृत्यु विशेष, मैं कभी भी ये जीव नहीं हूं, मैं हमेशा ही निर्विशेष परमात्मा हूं। तो ये बोध जिसको हमेशा रहती है उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा या सर्वोत्तम लक्ष्य भी यही है कि हम इस तत्व पे सदा रहें। अगर हम गीता में ही कहें तो वही हमें देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण जी एक समय कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिप्यन्ति नमे कर्मे फलेष्विहा। ये जो कर्म मैं कर रहा हूं, तुम देख रहे हो कि मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन इस कर्म में मैं कभी भी लिप्त नहीं हुआ। अगर महाभारत को देखें आप, क्या देखेंगे? अगर महाभारत को देखेंगे तो एक ऐसा पात्र जो जन्म से ही कर्म कर रहा है, जो शत्रु का विनाश कर रहा है जन्म से ही, और मृत्यु तक वो कार्य करता रहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होता।
और मुझे किसी कार्य को करने का कोई प्रयास तक नहीं है, यही चरम सत्य है। जिस व्यक्ति ने इसको जाना कि हम कभी भी किसी भी कर्म में लिप्त नहीं है, नहीं हमें किसी भी कर्म में कोई प्रिया है, ये जो जगत है ये जगत एक लीला भूमि है और हम सभी आस्वादन कर रहे हैं, लीला का आस्वादन कर रहे हैं। ये जगत कार्य क्षेत्र नहीं है, ये जगत तो विलास भूमि है हमारी। ये जगत हमारी विलास भूमि है क्यों? यहाँ पे हम नहीं है, यहाँ पे आत्मा अपनी लीला खुद रच रही है। अपने आप को जानने की प्रक्रिया, अपने आप को ही वो जड़ बनाता है, अपने आप को ही वो चेतन बनाता है। और ये जड़ और चेतन के बीच लड़ाई, जड़ और चेतन के बीच एक पूर्णत्व प्राप्ति, एक एकत्व का एक नाटक रचा हुआ है। और हम सभी इसमें एक एक पात्र है। लेकिन कौन है ये, कौन है जो अंदर से खेल रहा है? उसी को आत्मा कहता है जिसका ये खेल रचा हुआ है। और तुम ही वही हो। हमारे पास कितने समस्याएं हैं, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि आप समस्याओं से घबराइए नहीं, ये सब आपके बाहरी समस्याएं हैं। ये आप अपने आप को जानते नहीं हैं, इसलिए आप समझ रहे हैं ये आपकी समस्या है। लेकिन जिस समय आप अपने आप को जानेंगे, उस समय देखेंगे ये कभी भी आपकी समस्या नहीं बनेगी। कैसे जानेंगे अपने आप को? ये आत्मज्ञान या आत्मबोध कैसे होगा? बोले कि ये बोध हमेशा ही आपके अंदर है, इसको जागृत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सुनते हैं कि ब्रह्म ज्ञान को जागृत करो, अपने आप को जागृत करो। हम हमेशा ही जगे हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को देख नहीं सकते। विशेष रूप से अपने आप को तो देखते हैं, लेकिन विशेष रूप से देखते नहीं। ये जो विशेष रूप से दर्शन करना, ये गुरु के पास जाकर होता है।